देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां श्रमिकों को प्रयागराज स्टेशन पर दिया गया भोजन और पानी। गुजरात के वापी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूरों और कामगारों को लेकर प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज स्टेशन में करीब 300 मजदूर उतरे, इसके बाद ट्रेन में और गाजीपुर के लिए रवाना किया गया। स्टेशन पर मजदूरों को भोजन और पानी की व्यवस्था की गई, ट्रेनों को सैनिटाइज भी किया गया। प्रयागराज पहुंचे मजदूर कामगार सरकार के इस कदम से बेहद खुश दिखे और उन्होंने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। अब तक रेलवे ने 27 मई तक 3543 ट्रेनों में 48 लाख से ज़्यादा कामगारों उनके घर पहुंचाया है और 78 लाख से अधिक प्रवासी को ट्रेन में फ्री भोजन भी उपलब्ध कराया है। यात्रियों को 1,10,00,000 पानी की बोतलें भी वितरित की गई है। श्रमिक ट्रेनों के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो जो ट्रेनें हैं वो ठीक से चलें। आपको बताना चाहूँगा मैं कि उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र पे, मतलब जो तीनों मंडल हैं, प्रयागराज मंडल, झांसी और आगरा, तीनों मंडल मिला के तकरीबन 210 प्लस ट्रेनें, जिसमें श्रमिक ट्रेनें भी सम्मिलित हैं और वो रेक भी एम्प्टी रेक हैं जो दोबारा श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए चाहिए, उनको मिला के प्रतिदिन हम 210 ट्रेनों को चला रहे हैं। इन ट्रेन्स की मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे मंडल में और हेडक्वार्टर स्तर पे बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स जो हैं कंट्रोल के अलावा, वो ट्रेन ऑपरेशन पे पूरी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, जिससे किसी भी ट्रेन में कोई डिटेंशन ना हो। इसके अलावा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्री श्रमिक बंधु जो हैं उनको जो सुविधा मुहैया करानी है, उसमें अगर आंकड़ों की बात करें तो कल तक, मतलब 27 मई तक 1,122 ट्रेनों में हम लोगों ने 16 लाख लोगों को खाना और पानी प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ ये बॉटल वाटर देने के अलावा हमारे कमर्शियल विभाग के अन्य डिपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ स्काउट एंड गाइड्स के वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं, जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ट्रेन्स में पाइप। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल